पुनीत सुपरस्टार के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, क्या बहुत जल्द पुनीत सुपरस्टार जाएंगे जेल? आइए जानते हैं पुनीत सुपरस्टार ने ऐसा क्या किया। वेल गाइस, बिग बॉस की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो रिकॉर्ड पुनीत सुपरस्टार ने बनाया है। 24 घंटे के अंदर ही अंदर पुनीत सुपरस्टार का हुआ एविक्शन, और अब ऐसे बिग बॉस की हिस्ट्री में पहले न कभी सुना गया था न कभी देखा गया था। ऐसे में अब आपको बता दूं कि एक भोपाल के शख्स परेशान होकर, जिनका नाम फैजान अंसारी है, उन्होंने पुनीत सुपरस्टार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बेसिकली होता यूं है कि फैजान अंसारी का मानना है कि पुनीत सुपरस्टार एक अनपढ़, गवार, जाहिल इंसान है जिसे किसी भी चीज की समझ नहीं है। ऐसे इंसान को बिग बॉस बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, और ऐसा इंसान बिग बॉस में रहना डिजर्व ही नहीं करता है। आफ्टर ऑल, बिग बॉस में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं और वहाँ पर ऑलरेडी समझदार, सेंसिबल लोग होते हैं। ऐसे भी इसके बीच अगर पुनीत सुपरस्टार की एंट्री होती है तो वो बिल्कुल भी अटपटा लगेगा। जब से फैजान अंसारी ने ये स्टेटमेंट जारी किया है, तब से फैजान को लगातार धमकियों पर धमकियां मिल रही हैं। अब जान की भी धमकी मिल रही है फैजान को। फैजान का मानना है कि लगातार उनको धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं, और उनका मानना है कि ये पुनीत सुपरस्टार की तरफ से ही किया जा रहा है। इनफैक्ट उनके फैंस ही ये कर रहे हैं। इनफैक्ट फैजान ने ये भी कह दिया कि अगर फैजान को कुछ भी होता है या उनके जान को कोई भी खतरा होता है तो इसके पूरे पूरे जिम्मेदार पुनीत सुपरस्टार होंगे। और ऐसा कहते हुए फैजान ने सीधे से पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी है, और एफआईआर दर्ज करवा दिया है पुनीत सुपरस्टार के खिलाफ। तो क्या वाकई में पुनीत सुपरस्टार है इन सब चीजों के जिम्मेदार? आप बताएं इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे आप।